भगवान ने बाल लीलाएं की, वो आपने कल कथा श्रवण की, लेकिन बाल लीलाओं का उद्देश्य भी एक ही था। भगवान चाहते थे कि मैं जब गोपी के घर माखन चुराने जाऊं तो माखन के साथ साथ मैं गोपी के चित्त को भी चुरा लूं, उसके मन को भी चुरा लूं। और एक बार जिसका चित्त ठाकुर चुरा ले, एक बार जिसे ये कृष्ण प्रेम का रोग लग जाए। हमारे ब्रज में एक बाबा कहा करते हैं कि किसी को भूत चिपट जाए, ब्रज भाषा में कहते हैं, काई को भूत चिपट जाए तो वा को इलाज है, उसका इलाज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगी। भूत चिपट जाए वा को इलाज है, पर जाकू यो नंद को पूत चिपट जाए वा को कोई इलाज दुनिया में नहीं। ये जिसको लग जाए ना, फिर दुनिया में कोई इलाज नहीं। जो मैं ऐसा जानती तो नगर ढिंडोरा पीटती। मीरा कहती, अगर मुझे पता होता ना कि प्रेम में इतनी तड़पन, जैसे एक मछली तड़पती है वैसे तड़पना पड़ता है, तो नगर ढिंडोरा पीटती और सबको कहती प्रीत न करियो कोई, प्रेम मत करना इस टेढ़े से, नहीं तो बड़े पछताओगे, रूप मत देखना इस टेढ़े का। और अगर रूप देख लिया, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आप सनातन मंदिर आए, हम जानते हैं मंदिर बहुत अच्छा है, मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, पर कई बार क्या गलती हो जाती है कि हम मंदिर को तो भली भांति देख लेते हैं, पर जिसके लिए मंदिर बनाया गया है उसको देख के ऐसे तुरंत निकल जाए। मंदिर की आकृति अच्छा, ये ऐसे बनी है, अच्छा कहाँ से, वो बनाने वाले कहाँ से है, वो सब देखते हैं, पर जिस जो वहां मालिक बैठा है उसके सामने गए, मंदिर को देखेंगे आंख खोल के, और जिसको देखने आए थे उसको देखेंगे आंख बंद करके। अब सोचिए आप, आंख बंद करके आपकी पत्नी सुंदर सा सज धज के श्रृंगार करके आए और आपसे पूछे अजी मैं कैसी लग रही हूं, आप आंख बंद कर लो तो फिर तो लग फिर लगता आंख जिंदगी भर के लिए बंद कर देगी। आई है तो सज धज के क्यों आई है, कि उसके रूप को देखा जाए। ठाकुर भी दिन भर ये बंशी लेके, साज श्रृंगार लेके, इतना महंगा महंगा भारी भारी गहना पहन के क्यों खड़े हैं, कि कोई आए और आके मुझे निहारे, मेरे रूप के अमृत का पान करे, देखे आज ठाकुर कैसे लग रहे। अब जिनको देखने आए थे उन्हीं को नहीं देखा, बाकी सबको देखा तो क्या देखा। इसलिए कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए, केंद्र है भगवान, बाकी सब चीजें तो बाहरी वस्तु है, केंद्र तो ठाकुर है। वहां जाकर के आपको कुछ समय आंख खोल के उनको निहारना चाहिए, और ऐसे निहारना चाहिए कि वो आपके दिल में बस जाए। आप घर भी चले जाओ तो वो दिल में मूर्ति निकले नहीं, वो चित्रपट आपके हृदय में बस जाए, ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए। तो नंद का पूत जाको चिपट जाए फिर छोड़ता नहीं है, और यही ब्रज की दशा हो रही है, ब्रज की गोपियों की यही दशा हो रही है, कि इतना इतना प्रयास करती हैं कि इस नंद के छोरा से मन हमारा हटे, पर कैसे हटे। कहीं भी रहती हैं, ये घर में भी रहती हैं, माखन चलाती है, दधि मंथन करती हैं, पर इनका हाथ संसार के लिए काम करता है, पर इनका मन हर क्षण श्री
ठाकुर के चरणों में लगा रहता है। अब कन्हैया क्या कर रहा होगा, अब खा रहा होगा, अच्छा अब तो सो गया होगा, अब उसके जगने का समय हो गया।